भगवान की कथा। हम क्यों सुनते हैं, क्यों कहते हैं और क्यों कराते हैं, प्रयोजन क्या है? प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के कोई पागल भी, मंदह अपि यानी मंद बुद्धि, बिना प्रयोजन के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। फिर हम लोग अपना समय निकाल करके न जाने कहां कहां से अपना डीजल पेट्रोल फूंक करके और यहां रोड से भी एक आध दो किलोमीटर दूर खेतों में आए हैं। हम खुद से प्रश्न करें, आखिर क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ये जो कथा करा रहे हैं, इतना पैसा फूंक रहे हैं इसमें, आखिर क्यों? बड़े काम की बात है। इतना पैसा फूंक करके इन्हें क्या मिलेगा? इतने पैसे से ये कोई धंधा और खड़ा कर देते तो आमदनी और बढ़ जाती। कारण क्या है? हमारे जीवन में धन बहुत कुछ है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जब फिर धन बहुत कुछ नहीं लगता। मानो किसी को कैंसर हो गया, अब चाट ले वो धन को, फिर धन का क्या करेगा वो? डॉक्टर भी कहता है घर ले जाओ, सेवा करो, है ना? उसने चाहे 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1,000,000,000,000 कमाया हो, लेकिन डॉक्टर कहता है तुम कितने भी पैसे दे दो, सॉरी, क्षमा करना। ऐसा परमात्मा जब किसी के साथ करता है तो उसे समाज को ये बताना चाहता है कि धन बहुत कुछ तो है लेकिन धन सब कुछ नहीं है, इससे आगे भी कुछ है। जब जब इंसान इस बात को भूलता है तो धन के पीछे पागल होता है, फिर चाहे वो बेईमानी से हो, अत्याचार से हो, दिल दुखा करके हो, धन आना चाहिए। जब इस बात को भूल जाता है कि धन से आगे भी कुछ है, जब ऐसा होता है ना, तब भागवत की कथा हमें ये बताने के लिए कि ऐसी नौबत ही न आए। मनुष्य जीवन में जो धन से भी आगे कुछ है वह हमारी समझ में आ जाए,